मेरे बैकयार्ड का, घर के बैकयार्ड का नज़ारा चेक करो पहले। क्या बात है यार, 3-4 दिन से आपने पीछे देखा होगा अगर मैंने वीडियोस डाली हैं, बादल बने हुए हैं। डरने वाले बात नहीं है, ये पेड़ है ही ऐसा, ये नीचे भी गिरा हुआ है घर के ऊपर। जिसके घर में है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे को क्या की प्रॉब्लम है। आप नज़ारे लो, एडिलेड का मौसम चेक करो। मैं इसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको मौसम। ये जो पेड़ है टूटा हुआ है, ग्रीनरी, अरे बाप रे, वो दूर पहाड़ी, अगर आपको थोड़ी सी नज़र आती होगी, मैं जूम करता हूँ। आहा, एडिलेड का नज़ारा, और ये देखिए जी प्लेन का नज़ारा, सारी चीज़ें घर में आपके। कैसे मज़ा नहीं आएगा यार रहने का यहाँ पर, पूरा चेक कर लो 360 डिग्री। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा चेक करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। हेलो निखिल, शुड यू प्रेफर बाइंग ए ब्रांड न्यू हाउस और 7 to 8 years ओल्ड हाउस, और फर्स्ट बाय अ लैंड एंड देन बिल्ड अ हाउस? विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल फॉर 491 वीज़ा होल्डर्स? प्लीज रिप्लाई। तो भाई साहब कैसे हो, मुद्दा चेक कर लिया। टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में अपना घर लेने के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमें नया घर लेना चाहिए या लैंड पहले लेनी चाहिए फिर अपना बनाना चाहिए? 7-8 साल पुराना घर लेना चाहिए या बहुत पुराना घर लेना चाहिए? बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं, इन फ्यूचर में जाके घर तो लेंगे ही लेंगे। थोड़ी सी परेशानी मैं दूर कर देता हूँ आपकी, आपका अपना सोचने का जो तरीका है वो शायद चेंज भी हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद। लेकिन मैं सारे जो पहलू जो होते हैं कि आप घर ये वाला लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये बेनिफिट होगा, वो सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को डिसीज़न लेने में ना प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो बंदा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा ना, वही आपको असली जानकारी दे सकता है। वहाँ पर बैठ के आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। देखो, जब आपके पास, मैं सिर्फ 491 वीज़े की बात नहीं करूँगा, वो आप यहाँ पर आकर मॉर्गेज ब्रोकर से पूछना, या अपनी एलिजिबिलिटी जब बनेगी तब आप पूछना। मैं वैसे बता रहा हूँ सभी को कि अगर आपकी कैपेबिलिटी बन चुकी है घर लेने की या ले सकते हो, मैं उसकी बात करूँगा सिर्फ। पहला, अगर लैंड लेके बनाते हो तो सबसे पहले जो लैंड की वैल्यू है वो बहुत मायने रखती है। एक ऐसे पोश इलाके में अगर आप घर लोगे, उसके अंदर लैंड भी महंगी होगी। जो घर बनने का पैसा लगना है वो तो हर जगह सेम ही होता है, चाहे मैं सस्ती लैंड पे बनाऊँ महंगी लैंड पे बनाऊँ, वो तो है ही नहीं। जैसे एक 400 स्क्वायर मीटर का मैंने घर लेना है और एक पोश इलाके में है, उसका रेट है $4.5 लाख सिर्फ लैंड का। और एक सस्ते इलाके में है थोड़ा सा दूर, वो 380 के अंदर पड़ जाएगा। थोड़ा सा और पीछे चल जाओ, 350 तक आ जाएगा। और बीच बजाले में आपने मान लीजिए जगह ले ली, सबसे पहली बात तो यह कि वैल्यू जो होती है वो लैंड की है, खाली लैंड की। अगर आपने खुद घर बनाना नया, तो ऊपर उसके जो पैसा लगना है वो तो हर जगह सेम ही लगना, चाहे दूर चले जाओ पहाड़ी इलाके में बनाना चाहते हो तो उसका अलग है, मेरे हिसाब से वो महंगा पड़ सकता है, वो मुझे नहीं पता। ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि जब लैंड लेनी है तो अब लैंड का मेन पैसा खर्च होगा, ऊपर को तो जितना मर्जी आप लगाना चाहते हो लगा लो। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा पुराना घर लेते हो, लिवेबल घर लेते हो, जैसे कि मैंने लिया है, ये 2011 बिल्ड है, 12 साल पुराना। लेकिन यहाँ पर घर की जो मेंटेनेंस रखते हैं ना लोग, मेंटेन करके लगते हैं, लगता नहीं है कि ये 12 साल पुराना है, लगता है कि 3-4 साल पुराना ही है। जो पहले के घर होते थे ना, उनमें ये देखो, ये पीछे छत देख रहे हो ना, पीछे मैं अपनी घर की छत दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये छत है ना, जो अब ये बनी है पत्थर की। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, ज़्यादातर जो पुराने घर बने हैं, ये देखो जो पीछे बना हुआ मेरे, वो भी उस पत्थर का है। इस एरिया में ये जो घर है वो भी इस पत्थर का बन गया, और ये जो ऊपर छत लगाई है वो भी सेम ही है। इसका बेनिफिट क्या है? जब
बारिश पड़ती है जोर से, तो अगर ये वाली छत सॉरी अगर ये वाली छतें हैं ना तो आवाज़ नहीं आएगी आपको अंदर। आजकल जो टीन की छतें पड़ती हैं ना, पीछे जो मैं घर में रह रहा था रेंट के ऊपर, वो न्यूली बिल्ट था, 2017 का बना था, और उसके घर की जो छतें थी वो टीन की पड़ी हुई थी। मतलब अगर उसके ऊपर क्या नाम है बारिश पड़ती थी तो आवाज़ बहुत आती थी, लेकिन इस घर में हमें कोई महसूस नहीं हुआ। वो आप अब भी लगवा सकते हो लेकिन महंगा पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग, उस पैसे के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, आराम से कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती। नए में लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ गया, ठीक है जी, स्ट्रक्चर चेंज हो गए। अब इसमें जो बिल्ड एरिया है, जगह उतनी है जो पीछे में रह रहा था, इसमें जो बिल्ड एरिया है वो कम है, इसके छोटे कमरे हैं। आगे से जो कहते हैं ना कि छोड़ा हुआ जगह, वो इस घर की ज़्यादा है जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, लेकिन उस घर की कम थी और उसने अंदर बना लिया था। टाइम टू टाइम नक्शा जैसे चेंज होता जाता है उतना बंदा बदलता रहता है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ हो चुका हुआ घर, मतलब आगे स्पेस कम रह गई है, तो इससे आपके अंदर का जो घर है ना वो बड़ा बन जाएगा। तो 7-8 साल पुराना, मैं उसको पुराना नहीं कहूँगा, वो भी एक अच्छा ही घर होता है, रहने के लिए घर होता है। बल्कि यहाँ पर अगर आप 15-20 साल पुराना भी घर लोगे ना, वो भी वेल मेंटेन्ड होगा। डिपेंड करता है रहने वाले के ऊपर कि उसने कैसे संभाल के रखा हुआ है। जिससे मैंने ये घर लिया, देखो मेरे पीछे कितना बड़ा बैक यार्ड है, आराम से बच्चे खेल सकते हैं, ये लगा हुआ पहले से ही छोटे बच्चों के लिए, पीछे छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है जी, और आगे ये स्पेस है, बंद छत छत छती हुई है, आराम से बंदा इंजॉय करे। डिपेंड करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि घर पुराना होना चाहिए या नया होना चाहिए। 7-8 साल पुराना, 10-12-14-15-20 साल पुराना भी घर अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिवेबल है, तो अच्छी जगह के ऊपर है। क्योंकि अगर आप सिटी के नज़दीक रहना चाहते हो, उसमें तो ऑलरेडी घर बन चुके हुए हैं ऑलरेडी तकरीबन, तो या तो वो आपको पुराने मिलेंगे बिल्कुल, या मीडियम मिलेंगे, या बिल्कुल ही नए मिलेंगे। जो बिल्कुल ही नए मिलते हैं वो तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह महंगा ही बहुत है। एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, उस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आम इंसान की बात, कि बंदा ले सकता है कि नहीं ले सकता। आपको ऐसा नहीं व्यू आ रहा है जैसे मैं किसी छत पर चढ़ा हुआ हूँ? देखो यार सारा पूछे पीछे दिख रहा है, नज़ारा चेक करो कितना अच्छा होगा। तो मतलब आप आराम से पुराना घर भी ले सकते हो, ये दूसरी ऑप्शन हो गई कि 10-12 साल पुराना ले लो, लिवेबल हो जाएगा। ये भी देख लेना, ये ना हो कि बाद में पैसे खर्च करने पड़े। अब इस घर के ऊपर मुझे कोई पैसे खर्च करने नहीं पड़े खर्च, मैंने मैट चेंज करवा लिया, ठीक है, और थोड़ा बहुत काम करवाया, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब चलो इतना तो घर में करते ही रहते हैं हम। तीसरी ऑप्शन आती है कि बिल्कुल ही पुराना ले लो। बिल्कुल पुराना लोगे, आपको अगर सिटी के पास लोगे तो जगह तो बहुत बड़ी मिल जाएगी आपको, जिसके आगे भी काफ़ी स्पेस हो, जिसमें 3-4 गाड़ियां रख सकते हैं, पीछे बैक यार्ड हो, आराम से पार्टी कर सकते हैं। लेकिन बीच में जहां पर आपने रहना है, मे बी वो बहुत पुराना हो सकता है, 1960 का, 1965 का, 1950 का, इतने पुराने घर भी हैं यहां पर, ठीक है ना, इससे पुराने घर भी हैं, मतलब वहां पर तो रह ही नहीं सकता। उस घर के अंदर आप अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ लेना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर रहता है कि आप उसमें रह पाओगे कि नहीं। हम तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि उसमें नित कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। कई बार लोग क्या करते हैं कि कई बार लोग ये देखते हैं कि हमें उस जगह के ऊपर रहना है चाहे हमें पुराना घर मिल जाए। अब यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं जिस एरिया में, ठीक है, उसमें अगर आप पुराना घर भी ढूंढोगे 800-900 से कम नहीं मिलेगा। मतलब 800-900 का मतलब होता है 800 और 900,000। मैं काफ़ी वीडियोस में कहता हूँ, कई बार लोगों को पता नहीं लगता, मतलब 800,000 हम 800,000 कहते हैं ना, यहाँ पर चलता है 800,000, 800, 800 और 1,000, 000, 800,000 ही हो गया एक तरह का। अब इस घर की देखो पीछे कितनी जगह, पीछे सारा पार्क बाग बगीचा बनाया हुआ है। ये हमारे किस काम का, यूज़ ही नहीं हो रहा, ये पुराने बने हुए हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है जगह इनकी, ठीक है, लेकिन यूज़ ही नहीं हो रहा। जो मैंने मकान लिया है ना, इसके भी दो घर बने हैं, एक ये वाला और एक साथ वाला, दोनों सेम बने हैं, हमारा थोड़ा सा ऊंचा है,
मतलब बड़े बड़े प्लॉट्स को अब छोटा करना शुरू कर दिया लोगों ने, जो इन्वेस्टर हैं वो भी ऐसा ही करने लगे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लेना है। लैंड लेनी है एक एक ऐसे जगह पर लो जहाँ पर आपने रहना है, अगर बजट कम है थोड़ा सा दूर ले लो, पर अपनी प्रायोरिटी चेक कर लो, ठीक है। और खुद बनाओगे उसमें से पैसे तो जरूर बचेंगे, जैसे मान लीजिए ये लाख, ये घर जो मुझे बना है ये मैंने बिल्डर से लिया है 7.5 लाख का, खुद बनाओगे मे भी 6.5 लाख में पड़ जाए या इससे कम थोड़ा सा पड़ जाए, मे भी 60-70 हज़ार बचेगा जरूर, ठीक है ना। लेकिन सिरकपाई लेनी पड़ेगी। अब आप खुद सिरकपाई लेना चाहते हो या किसी दूसरे को देना चाहते हो, क्योंकि अपने काम भी तो करने हैं कि नहीं। इंडिया जैसा तो हिसाब है नहीं भाई, हमारे माँ बाप यहाँ पर बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे मिस्त्री कैसे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। यहाँ पर एक घर को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 1.5 साल लग जाता है बनते हुए, ठीक है ना। बहुत सारे बिल्डर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।